मेरे क्या हो ड्रामे का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है, जहां पर घर वालों को पता चल चुका है कि सारा की वजह से फकत रजा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। सारा हादे की मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़ चुकी और अंधी हो चुकी थी कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सारा की खुद गर्जी और लालच ने उसके बाप की जान ले ली है। तभी सारा को दुख भी बहुत ज्यादा है कि उसका बाप इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। ऐसे ही जोहेब कमरे में आता है तो देखता है सारा काफी ज्यादा रो रही है। तभी जोहेब कहता है कि सारा, अब तुम्हारे रोने का क्या फायदा, क्या चाचू वापिस आ जाएंगे? अगर चाचू को कुछ हुआ है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से आज वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। तभी सारा कहती है, बाबा ने तो मुझे मौका भी नहीं दिया। मैंने सोचा था वो घर आएंगे तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। वो इतनी खामोश तबीयत चले गए। जोहेब कहता है कि जो ग्वार तुमने किए है कि क्या उसके बाद कोई इंसान सांस भी ले सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सारा भी समीना भी अब सारा को बहुत ही ज्यादा डांटती है कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया, तुम इतनी अंधी हो चुकी थी, तुम हादे की नफरत में अपने बाप की जान लेकर जा चुकी हो। किसी का भी नुकसान नहीं किया सारा, तुमने सिर्फ मेरा नुकसान किया है। शौकत इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शौकत मुझे छोड़कर जा सकता है। तभी सारा कहती है कि मामा आपको क्या हो गया है, आप भी हादिया की साइड ले रही हैं। फिर समीना कहती है कि अब मुझे समझ आया कि मैंने तुम्हारी तरबियत में वाकई गलती की। काश कि जब तुमने पहली गलती की थी तो मैं तुम्हारे मुँह पर तब ही थप्पड़ मार देती, तुम्हें पता लग जाता कि आज के बाद तुम्हें इस तरह की गलती नहीं करनी। तभी हादिया समीना के पास आती है और कहती है कि छोटी मामा मुझे आपसे बात करनी है, क्या कुछ वक्त मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? तभी समीना कहती है कि हाँ हादिया तुम बैठ सकती हो, क्यों नहीं। तभी हादिया समीना के पास बैठ जाती है, उसके गले लगकर बहुत ही ज्यादा रोती है, कहती है कि छोटी मामा बाबा क्यों छोड़कर चले गए इतनी जल्दी, आखिर क्या हुआ था? तभी समीना सोचती है कि तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारे बाप को पता चल चुका था कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ कितना घटिया खेल खेला था। तभी सारा हादिया को देखकर फिर से चलाना शुरू कर देती है, कहती है कि पहले तो तुमने मेरे बाप की जान ली है, अब क्या चाहती हो तुम? मेरी माँ की जान लेना, यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी मनहूस शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुमने तो मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद करके रख दी है, यहाँ तक कि तुमने मेरे बाप की जान भी ले ली है। हादिया कहती है कि सारा मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी बाबा के जाने का उतना ही दुख है जितना के मुझे, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? जितनी इंसान की किस्मत लिखी होती है इस दुनिया में वो उतनी ही गुजार कर जाता है, उससे एक मिनट पल भी वो ज्यादा नहीं गुजार सकता। सारा हादिया से कहती है कि मेरा बाप तुम्हारी टेंशन ले लेकर इस दुनिया से जा चुका है। ये बात सुनने के बाद हादिया कहती है कि आखिर अब क्या हुआ था, मैं तो बहुत ही खुश हूँ, बाबा मेरी टेंशन क्यों ले रहे थे? ये बात सुनने के बाद कहती है सारा कि ये तो तुम्हें ही पता होगा, मुझे नहीं पता कि क्यों बाबा टेंशन लेते थे। ये बात सुनने के बाद हादिया कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें सारा, आखिर तुम ऐसे बोल क्या रही हो, तुम क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? तभी समीना कहती है कि मैं बताती हूँ तुम्हें हादिया, आखिर क्या हुआ था, तुम्हारा बाप इस दुनिया को छोड़कर क्यों गया है? ये बात सुनने के बाद हादिया के लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात होती है, कहती है कि क्या हुआ मामा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तभी वो बता देती है कि सारा की सारी हकीकत तुम्हारे बाप के सामने आ चुकी थी, क्योंकि ये पता चल चुका था कि सारा ने किस तरह से तुम्हारे ऊपर और जोहेब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था और तुम्हें तलाक करवाई थी, लेकिन तुम्हारा बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात सुनकर हादिया कहती है कि आखिर ये राज खुला भी तो कैसे खुला, मैंने तो बाबा को कभी भी इस बारे में नहीं बताया था। समीना कहती है तुमने नहीं बताया लेकिन इस मनहूस की अपनी ही जुबान से निकल गया, ये जोहेब के साथ काफी ज्यादा झगड़ा कर रही थी। तभी शौकत रजा भी वहां पर पहुंच गया। तभी समीना कहती है कि हादिया नो रो, बस कर दो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा तकलीफ से गुजर रही हो, लेकिन तुम शौकत की मेरे पास आखिरी निशानी हो, तुमसे शौकत बहुत ही ज्यादा प्यार भी करता था। शौकत अगर तुम्हें रोता देखेगा तो उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी और मैं तुम्हें नहीं तकलीफ देना चाहती, बस कर दो, अब मैं तुम्हारा आंसू नहीं गिनने देना चाहती। तभी हादिया समीना के गले लग जाती है, कहती है कि आज मुझे बहुत ही ज़्यादा वाकई तकलीफ हो रही है कि आखिर बाबा के सामने क्यों ये राज खुला। तभी समीना कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाता हादिया, शायद उनकी ज़िंदगी ऐसे ही लिखी थी, लेकिन शायद कि हम उसको बचा नहीं पाए और तुम्हें वक्त पर नहीं बता सके, क्योंकि शायद तुम्हारा भी दिल कर रहा होगा कि तुम अपने बाप से आखिरी वक्त बात कर सकती। हादिया कहती है कि हाँ, मेरा भी दिल करता था कि काश मैं यहाँ पर होती और अपने बाप से कोई ना कोई बात कर ही लेती और उनसे भी उनके दिल की कोई ना कोई बात सुन ही लेती। ये बात सुनने के बाद समीना कहती है कि सारा,
यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं जब जब तुम्हें देखती हूँ तब तक मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तारा समीना से कहती है कि मामा आप सगी औलाद को छोड़कर किसी और को फोकियत दे रही है। ये बात सुनकर समीना कहती है कि सगी औलाद ने जो कुछ मेरे साथ किया है क्या वो कम है? तुमने तो अपने बाप की जान ले ली है सारा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी तुम्हारे इस घटियापन की हरकत को। दूसरी तरफ हादिया की ज़िंदगी अब बहुत ही ज़्यादा अजीर्ण करने वाली है शहनाज, जिसने आज तक हादिया को अपने बहू के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्योंकि शहनाज के दिल में तो पहले ही शक आ चुका था कि हादिया न जाने किससे बात करती है। वो सुन भी चुकी थी कि हादिया जुहैब के साथ बात कर रही थी। तभी शहनाज सोचती है कि रात के उस पहर आखिर वो क्यों बात करेगी, क्योंकि उसके तो बस एक ही मतलब हो सकता है कि अभी भी वो जुहैब के साथ ही रिलेशनशिप में है और जुहैब को पसंद करती है। न जाने क्यों ये लड़की अपनी ही ज़िंदगी तबाह करने पर तुली हुई है। शहनाज तो अपनी पसंद की बहू लेकर आना चाहती थी, हादिया उसे कभी भी पसंद नहीं थी। वो तो सिर्फ मजबूरी में हादिया के साथ अपने बेटे का रिश्ता निभा रही थी, क्योंकि उमैर हादिया को बेपनाह पसंद करता था। वो उसी के साथ अपनी बेटी की शादी करने पर मजबूर हो गई थी। ड्रामे की आने वाली स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है, जहां पर उमैर और हादिया दोनों का रिश्ता तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। शहनाज कहती है उमैर तुम मानो या ना मानो तुम्हारी बीवी का जुहैब के साथ कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है, क्योंकि आज भी तुम्हारी बीवी जुहैब के साथ थी। ये बात सुनकर उमैर कहता है कि मामा बस कर दीजिए, वो उसका कज़न भी है और मैं हादिया को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, हादिया ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। शहनाज कहती है कि जितना तुम अंधा यकीन अपनी बीवी पर करते हो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है कि तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, उस पर यकीन करते हो, लेकिन यकीन भी तुम्हारा गलत ही हादिया पर है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हादिया पर नज़र रखो। लेकिन उमैर कहता है कि मामा मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि मैं हादिया पर नज़र रखूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं हादिया मुझे कभी चीट नहीं कर सकती और ना ही हादिया इस तरह की कोई हरकत कर सकती है। शहनाज कहती है कि मैं जुहैब तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूं उमैर के जुहैब के साथ हादिया का आना जाना लगा हुआ है, न जाने मोहल्ले के लोग क्या सोचते होंगे। सबको ही तो पता है कि हादिया का वो सबका शोहर है, चाहे वो कज़न है तो फिर हादिया को खुद ही ख्याल रखना चाहिए। जुहैब के साथ इस मोहल्ले में आना जाना बंद कर दे, क्यों लोगों के मुंहों को बढ़ावा दे रही है। लोग मुंह जोड़ जोड़ कर हादिया के बारे में बातें करते हैं कि तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं कि तुम्हारी बीवी के बारे में लोग बातें करें और तुम चुपचाप ये देखते रहो। जुहैब कहता है कि मामा न जाने आपको क्या हो गया है, आप किस तरह की बातें कर रही हैं, क्या आप हादिया को नहीं जानती? हादिया कितनी अच्छी लड़की है, वो इस तरह की हरकत कभी भी नहीं कर सकती। और रही बात जुहैब की, तो जुहैब के साथ उसका निकाह टूटा है, अब वो जुहैब के साथ रिलेशनशिप में रहे, ये भी कोई मानने की बात है? तभी कहती है शहनाज, हो सकता है उसे अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ गई हो। जुहैब कहता है बस कर दीजिए अम्मी, क्या हो गया है? तभी शहनाज कहती है उमैर तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लग रही हैं, जब हकीकत खुलेगी तो फिर मैं तुमसे पूछूँ।